ये मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मेरी लड़ाई को सबकी लड़ाई बनाया। जब मैंने कल मिनिस्टर का कैवलकेट फॉलो किया, मुझे ये नहीं पता था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। देखो डे शॉर्ट मी डेट, मैंने उनका सिक्योरिटी ब्रीच किया, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी मिसेज पे एक कमेंट पास किया और मैं सिंपली सड़क पे चल रहा हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव जॉइंड माय प्रोटेस्ट एंड इंशाल्लाह वी विल टेक दिस फाइट टू लॉजिकल कंक्लूजन। तो क्या चाहते हैं आप, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पत्रकार के साथ? मैं एक पत्रकार का मसला नहीं है, आप ये समझिए कि कॉमन आदमी, मैं पत्रकार हूँ, मैं इसीलिए इस टाइम हाईलाइट हो रहा हूँ। एक कॉमन आदमी के साथ क्या होता होगा जब वो गाड़ी चल के अपनी माँ बहन बेटी या बीवी के साथ निकलेगा? हैव वी गिवन लाइसेंस टू दीज मिनिस्टर्स एंड देयर एस्कॉर्ट्स को छेड़े, उन पे कमेंट पास करे? उनको किसने ये लाइसेंस दिया है? मैं पहले एक यहाँ का शहरी हूँ, जिम्मेदार शहरी हूँ, उसके बाद मैं एमएलए हूँ और आज हम अपने साफी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आए और पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से कि अच्छा नहीं हुआ जिस तरह आपके एक बेलगाम वजीर ने एक रियासत के सीनियर जर्नलिस्ट की पिटाई कर दी, उनकी जो बेगम साहिबा थी उनकी तरफ हतक आमेज कलमे फिक्रे कसे। इससे तो एक हमारे पुलिस में इखलाकियापन का जो दीवालिया निकला है, इखलाकी जवाबित का जो दीवालियापन निकला है, उसकी अक्कासी होती है। और हम इसीलिए कहते हैं कि ये लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप इनको मत कहे, दे आर नॉट VIPs, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दे आर वेरी इनसिक्योर पर्सन, आई फॉर इनसिक्योर, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और हम चाहेंगे मुफ्ती साहब से कि वो ये कर लें, इस मंत्री साहब को अपना पोर्टफोलियो वापस ले लें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें और उसे पूछ लें कि क्या इस रियासत में जंगल का राज है जब एक अखबार वाला जो आम आदमी की जबान होता है, जब उसको इंसाफ के लिए आज सड़कों पर निकल आना पड़े, तो मुझे ऐसे आम आदमी की जो इधर आपके दाएं बाएं सैकड़ों लोग जो यकजहती के लिए आए हैं अपने साफी बरादरी के साथ, तो इनका क्या हाल होगा, हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से।